जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं योगों की। जैसा मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि कुछ योग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई डिफाइन तो कर देता है, लेकिन उनके बेसिक्स की जानकारी उसे नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए सूरज और बुध का बुध आदित्य राजयोग, ये आपको 80-90% कुंडलियों में देखने में मिलेगा, लेकिन ऐसे जातक की कुंडली में भी ये योग देखने को मिलेगा जो शायद एक रिक्शा पुलर हो या एक रिक्शा चला रहा हो या एक छोटा मोटा ऐसा न्यूनतम स्तर का काम कर रहा हो, उसकी कुंडली में भी बुध और सूर्य इकट्ठे मिलेंगे और 90% ज्योतिषी उसको डिफाइन कर देंगे कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है। लेकिन दर्शकों, ये चीज़ लोग डिफाइन करते हुए क्यों भूल जाते हैं कि वो ग्रह कुंडली में कितना कारक है और कितना मारक है। आज मैं आपके साथ ये रिसर्च साझी करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे बाद भी अब कई लोग इसको डिफाइन करना शुरू कर दें। कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये रिसर्च कितनी सही है, मेरे बाद उसकी डेफिनेशन दे करके अपने आप को ठीक ज़रूर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, ये रिसर्च इतनी सही दिशा में करना और आपको सही ज्ञान देना हमारी ड्यूटी है। अगर आपने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है तो उसे लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि उसके सही सटीक नतीजे में आप पहुंच सको और रिसर्च में आपकी इजाफा हो सके। अब बात करते हैं सूरज और बुध देवता के बुध आदित्य राजयोग की। आप प्रिय दर्शकों, ये बात सुन के बड़े हैरान होंगे कि बहुत सी लग्न कुंडलियों में ये योग एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब आप सुन के और भी हैरान होंगे कि ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। जिन लग्न कुंडलियों में एक भी ग्रह मारक हो जाए, वो कभी भी युति के साथ वो योग डेवलप नहीं करता। मैं कोशिश करूँगा मेष से लेकर मीन लगन तक की कुंडलियों में आपको डिफाइन करूं कि कहां कहां ये बुध आदित्य राजयोग बनता है और कहां कहां ये नहीं बनता। आइए दर्शकों, बात करते हैं मेष लगन की कुंडली से। स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है। जिन्होंने देरी से देखना शुरू किया है, जो देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी बता दूं, वो इसको ध्यान से देखना शुरू करें, ध्यान से पढ़ना शुरू करें, ताकि वो भी आगे शिक्षा लेने में उनको आसानी रहे और जल्दी समझ पाएंगे। मेष लगन की कुंडली में सूरज और बुध का बुध आदित्य राजयोग कभी माना ही नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि बुध देवता जो हैं वो लग्नेश मंगल, यानी जो आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, उसके अति शत्रु हैं। और जो चीज़ आपकी बॉडी की अति शत्रु हो जाए, या उसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कुंडली का मारक ग्रह बन जाए, वो कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने देगा उस प्रॉपर योग में, जो योग लोग अक्सर डिफाइन कर देते हैं। मेष लगन की कुंडली में ये सन लिखा है यानी सूर्य, ये एमई यानी मरकरी बुध लिखा है, सूरज और बुध लिखा गया है। अगर लगन में ही सूरज बुध पड़े हों और आपको किसी ने डिफाइन कर दिया कि ये आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बन गया है, तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि वो बुध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में कभी बनता ही नहीं है। पहली बात कि बुध इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह है। दूसरी बात, 95% केसेस में आप देखेंगे कि सूरज और बुध अगर साथ होंगे तो बुध अस्त ही मिलेगा, और अस्त ग्रह कभी भी योग नहीं बनाता। बहुत सारे विद्वान इसको ये भी मानते हैं कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन ये बात प्योरली गलत मानी जाती है। अस्त ग्रह का मतलब होता है सूरज के साथ आ जाना और अपनी रश्मियां खत्म कर देना, तो बुध को भी अस्त का दोष लगता है। जिसका भी बुध अस्त है, वो जिन घरों का मालिक है उसके रिगार्डिंग उसे प्रॉब्लम आती है, वो खुद अपनी कुंडली विवेचन कर सकता है, तो बुध को भी अस्त का दोष पूर्णतः माना जाता है। तो सूरज बुध इस लगन कुंडली में कहीं भी पड़े हों, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी भी सूरज और बुध का बुध आदित्य राजयोग बन ही नहीं सकता। लगन में पड़े हों और किसी ने डिफाइन कर दिया कि बुध आदित्य राजयोग बन गया, तो समझ लीजिए कि वो एक पोंगा पंडित है, उसे अभी विद्या का ज्ञान नहीं है।
यहां से इस योग ने दृष्टि डाली सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, सूरज की दशा अंतर दशा में अच्छे रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि सूरज लगन में प्लेस्ड होने से उच्च का हो गया है और उच्च का सूर्य अपनी दशा अंतर दशा में सदैव पर्सनैलिटी में भी एडवांटेज देगा, दाम्पत्य सुख में भी एडवांटेज देगा, पार्टनरशिप में भी एडवांटेज देगा और डेली वेजेस के भी एडवांटेज जरूर देगा। लेकिन जब भी बुध की दशा अंतर दशा चलेगी तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स देगा, सप्तम भाव के रिगार्डिंग यानी पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख और डेली वेजेस में भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देता मिलेगा। तो बुध आदित्य राजयोग का इस लगन कुंडली में लगन में होने से कभी वो फल नहीं देने वाला। दर्शकों, दूसरे भाव में पड़े हों, तीसरे में पड़े हों, चतुर्थ में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े हों, अगर पंचम भाव में पड़े हों सूर्य और बुध देवता और फिर किसी उसी झोला छाप ने आपको बोल दिया कि आपका बुध आदित्य राजयोग है, तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ बुध कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। अगर अस्त हुआ तो वैसे ही उसे निल कंसिडर किया जाएगा, अगर उदय हुआ तो वो पेट में प्रॉब्लम देगा, लवरवास में फेलियर देगा, अनसर्टेन लॉस देगा, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करेगा, मेमोरी में दिक्कत परेशानियाँ देगा, औलाद संबंधी भी पुत्री का योग बनाकर नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अगर सूरज भी यही ओन साइन का पड़ा होगा तो जब सूरज की दशा अंतर दशा चलेगी तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, मेमोरी शार्प करेगा, मेंटली थोड़ा अग्रेसिव जरूर करेगा, क्योंकि सूरज एक अग्रेसिव प्लैनेट है, अनसर्टेन गेंस भी जरूर करवाएगा। दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल देख लीजिएगा कि किसका डिग्री वाइज बलाबल ज़्यादा है, उसके रिजल्ट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। अगर बुध अस्त हो गया तो बुध का कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर सूरज कमज़ोर डिग्री का हुआ तो रिजल्ट्स कम मिलेंगे, अगर सूरज बली हुआ तो उसके रिजल्ट्स हमें ज़्यादा अच्छे ही मिलेंगे। दर्शकों, यहाँ से दृष्टि डाली इस योग ने 11वें भाव पर, बड़े भाई बहन का योग बना दिया। बड़े भाई बहन से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी भी मिलती है, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लगी ही रहती हैं। दर्शकों, ये सूरज बुध अगर सप्तम भाव में पड़े हों और किसी ने कह दिया कि ये बुध आदित्य राजयोग बन गया, और चाहे बुध की दशा चले चाहे सूरज की दशा अंतर दशा चले, दोनों ही दशाएँ अंतर दशाएँ आपका सत्यानाश करने के लिए काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि सूरज नीच का हो गया है, विवाह सुख में कलह क्लेश मचा देगा, डेली वेजेस में कलह क्लेश मचा देगा और आपके दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां देगा। यहां से नीच के सूरज ने लगन पे दृष्टि डाली तो आपकी हेल्थ में भी सदैव प्रॉब्लम्स देगा। जो बुध यहाँ प्लेस्ड है सप्तम भाव में, तो बुध भी इस भाव में पड़ा हुआ सदैव नेगेटिव रिजल्ट दे करके दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स और पार्टनरशिप में भी अटकलें परेशानियाँ खड़ा करके कोर्ट केस तक करवा देता है एक दूसरे पर, लंबे कई सालों तक फिर कोर्ट केस भी चलते रहते हैं जो पार्टनरशिप इस अवस्था में कर लेते हैं। और जो लोग यहाँ उसको बोल देंगे यहाँ बुध आदित्य राजयोग बन गया, समझ लीजिएगा अभी उस जातक को ABC भी नहीं आती इस विद्या की। दर्शकों, अगर सूर्य बुध अष्टम भाव में पड़े हों, कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि औलाद सुख का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया है और यहाँ से बुध देवता भी अष्टम भाव में आ गए हैं। चाहे बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में क्यों नहीं आ गए, लेकिन ये योग कभी भी 6, 8, 12 में फलित होते ही नहीं, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं जब तक उस पर कोई विपरीत राजयोग की प्रॉपर कंडीशन एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक। दर्शकों, अगर सूरज बुध नवम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हुए सूरज बुध भी सूरज के तो सारे एडवांटेज दे देगा, लेकिन बुध के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। बुध देवता पिता की हेल्थ को खराब करेगा, बुध देवता को धर्म में मानने से भी प्रॉब्लम आएंगी, बुध देवता छोटी मोटी विदेश यात्रा या छोटी मोटी नेटिव लैंड के आसपास की यात्राएं यहाँ से जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाल के करवाएगा वो फजूल की मेहनत में ही जाएगी, और इस लग्न कुंडली में बुध आदित्य नवम भाव में भी वो नहीं बन पाएगा। यहाँ भी बुध आदित्य का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ भी बुध आदित्य का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सूरज देवता दशम भाव में आकर के दिशा बली हो जाते हैं, अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल जरूर देंगे, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ से दृष्टि सूरज देवता ने चतुर्थ भाव पर डाली
तो माता गाड़ी भूमि वाहन से मदद जरूर मिलेगी, एडवांटेज देगा। लेकिन बुध अगर अस्त हुआ तो निल इफेक्ट देगा, अगर उदय हुआ तो यहाँ कामकाज संबंधी भी प्रॉब्लम देगा, जॉब सबॉर्डिनेशन करवाएगा। यहाँ से दृष्टि डाली बुध देवता ने अपनी दशांतर दशा में चौथे भाव पर, तो चौथे भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। माता से मनमुटाव जरूर होगा, गाड़ी भूमि वाहन लेट जरूर मिलेगी या लोन लेकर के लेनी पड़ेगी और वो बहुत लेट पे कर पाएगा अपना लोन वापस, तो यहाँ के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य बुध अगर 11वें भाव में पड़े हों, अगर बुध अस्त हुआ तो सूरज यहाँ के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होकर के बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डाली सूर्य देव ने जितनी भी, वो पंचम भाव के रिगार्डिंग पुत्र प्राप्ति का योग, लवर मास में कामयाबी, अनसर्टेन गेन जरूर करवा देगा। लेकिन अगर बुध उदय हुआ और बुध की भी दृष्टि पंचम भाव पर जो सप्तमी दृष्टि पड़ी, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग पुत्री का योग, अनसर्टेन लॉस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, मेमोरी में पूर्णस आना, ये सारी चीजों के रिजल्ट नेगेटिव होंगे। दर्शकों, अगर सूरज बुध 12वें घर में पड़े हों और किसी ने वही अपना रोना रोते हुए कि आपकी कुंडली में सूरज बुध इकट्ठे हैं, आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बन गया, तो समझ लीजिए उस जातक को अभी इन योगों की ABC भी नहीं पता। अगर 12वें घर में सूरज बुध इकट्ठे पड़े हों, कभी भी ना तो सूरज अच्छा रिजल्ट देने वाला है ना बुध अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सूरज अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं देने वाला क्योंकि वो भाव गलत में चला गया है और इस कुंडली का मारक ग्रह हो गया है। बुध इसलिए रिजल्ट नहीं देने वाला, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का हो गया, तो दोनों तरफ से ही, चाहे सूरज की दशांतर दशा चले चाहे बुध की दशांतर दशा चले, आपको दोनों ही दशांतर दशाओं में नुकसान होगा। और वो नुकसान आप समझने के बैठोगे कि ये राजयोग देगा, और जब आपको नुकसान होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका आहिस्ता आहिस्ता इस विद्या से विश्वास उठता चला जाएगा। ये बात दर्शकों ध्यान रखिएगा, मैं सारी कुंडलियों का विवेचन इस योग के मुताबिक करूंगा, मेष से लेके मीन तक, उसके बाद सारे योग ऐसे डिफाइन करूंगा। बहुत से जातक आप में से इसके बारे में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और मुझे खुशी होगी कि मेरी की हुई रिसर्च आपके सही शास्त्रों के मुताबिक काम आ रही है और आपके जीवन यापन को अच्छा करने में मदद कर रही है और आप इन झोला छाप पंडितों के चक्रों से निकल रहे हैं। तो इस लगन कुंडली में दर्शकों याद रखिएगा, बुध आदित्य राजयोग अगर कोई कह दे आपको बनता है तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि इस लग्न कुंडली में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि बुध अति मारक होता है इस कुंडली में, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ही क्यों नहीं आ जाए, लेकिन वहां सूरज की प्लेसमेंट गलत होने की वजह से ये योग कैंसल हो जाता है, ये योग दूषित हो जाता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं मानी जाती। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे पास अक्सर जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी हमारी शुभता बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि हम सारा दिन एनर्जाइज रहें और हमारी नेगेटिव ऊर्जा जो आसपास हमारे ऑरा होती है वो सदैव पॉजिटिव बनी रहे। उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर जातक एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकता है। अगर वो ज़्यादा ना धारण करना चाहे तो कम से कम एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। बाजार से लेकर के, हमारे इंस्टीट्यूशंस में वो नहीं दिए जाते, बाजार से लेकर के एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, पंचमुखी कर ले, चौमुखी कर ले, वो सदैव शुभता बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि। We'll be right back.